चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी गायकी के सिरमौर और यंगरी यंगमैन पवन सिंह के गायकी का हर कोई फैन है। इनके गाने आते ही मार्केट में धूम मचा देती है। इनके गाने की इंतजार तो दर्शक बेसब्री से करते रहते हैं और गाने आते ही यूपी बिहार में झारखंड में धूम मचा के रख देती है और शादी पार्टियों में पवन सिंह के गाने हमेशा जोर शोर से बजाए जाते हैं। इसी कारण से पवन सिंह का रुतबा भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा सबसे ऊपर रहा है। लेकिन इस बात एक ऐसी खबर आ रही है कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक खबर के मुताबिक बॉलीवुड की अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पवन सिंह की फैन हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, माधुरी दीक्षित भोजपुरी सिनेमा के सुल्तान पवन सिंह के गाने मेरे रस के कमर की फैन हो गई है। फिलहाल यह खबर कितना सही है तो पवन सिंह ही बता पाएंगे। आपको याद दिला दे कि पवन सिंह का लोकगीत एल्बम लाले पॉप लागे लू बूढ़े और नौजवान सभी लोग फैन हो गए थे। आपको मालूम हो कि पवन सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तबादला भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर दूसरे सप्ताह भी जलवा बरकरार करके रखा है। आपको बता दें कि पवन सिंह और अक्षय सिंह की अभिनीत भोजपुरी फिल्म धड़कन रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म को 23 जून को ईद के मौके पर बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। फिल्म में पवन सिंह अक्षय सिंह के साथ लिप लॉक किसिंग सीन करते हुए नजर आएंगे, जो दर्शकों के लिए बेहद आनंदित होगी। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।